Hi dear friends, I welcome you on my YouTube channel. We are English Academy. ये आपकी 12वीं कक्षा की है जो कि 2019 में आई हुई है, दूसरे सेट में आई हुई थी, सेकंड सेट में. चलिए इसे सॉल्व कर अनुवाद ट्रांसलेट करते हैं, किस प्रकार से करते हैं. देखिए, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, तो हमें कि वी शुड We should never निराश होना. We should never despair. We should never despair to failure. We should never despair to failure. सफलता और असफलता दो बहने हैं. Success success and failure. Failure are two sisters. असफलता हमारी आंखें खोलती है. Failure opens our eyes, opens our eyes और हमारी कमजोरियों को बताती है. And tells us about our weaknesses. Weaknesses. उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं. By removing them, in future, हम सफल हो सकते हैं. We can succeed. Greats, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में सफल होते हैं. ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेट साइंटिस्ट fail in their experiments बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं. ग्रेट वॉरियर्स ग्रेट वॉरियर्स गेट डिफीटेड
इन बैटल्स। बैटल्स मीन्स युद्ध के मैदान। महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। ग्रेट पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन ग्रेट पॉलिटिशियंस लॉस इन इलेक्शंस। इलेक्शंस हाउएवर, परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बट या तो भी, फिर भी, दे कीप ऑन कंटिन्यूइंगली They continually trying and definitely करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। एंड ट्राइंग एंड डेफिनेटली Definitely, one day they succeed. SUCCED succeed. हार की कठिनाइयों को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड वी शुड नेवर डेस्पेयर Despair on seeing the difficulty the IFFUCULDY the difficulty difficulty way ahead ahead यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें if we take a determined Undetermined determined decision DISIU decision then
तो कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है लाइफ इज अनदर नेम। लाइफ इज अनदर नेम। फॉर स्ट्रगल। ये फूलों की सेज नहीं है, इट इज बेड ऑफ रोजेस या फ्लावर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक